हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने 240 करोड़ के वित्तीय लाभ ना देने पर कड़ा रोष जताया है। कल्याण मंच को अभी तक इस माह का वेतन भी नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारियों ने निगम पर सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने दो टूक कहा है कि 20 सितंबर तक कल्याण मंच को वार्ता के लिए अगर नहीं बुलाया जाता है तो इसके बाद कभी भी सचिवालय का घेराव किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन की होगी। दिन जो है रह गए हैं, कार्यकाल के रह गए हैं और हमें आस थी कि ये सरकार जो है से बनी है कि हमारी पेंशन का वो स्थायी समाधान मिलेगी, परंतु ये सरकार भी पेंशन के स्थायी समाधान के बारे में अखबर रही है और हमारा डीए की बकाया राशि और पेंशनरों की लीव इनकैशमेंट ग्रेजुटी और उनका जीपीएफ, ये सारा कुल मिला के जो 255 करोड़ रुपया बनता है, जिसके ऊपर हिमाचल सरकार जो है कुंडली मार कर बैठी है। अगर देना चाहती तो 5 सालों में सरकार जो है किस्तों में भी दे सकती थी, परंतु आज तक एक भी पैसा हमें नहीं दिया गया है, जबकि अब ये देश के जो है 16 से उठने थे वो भी इस वक्त जो है पंजाब सरकार ने दे दिए हैं, हिमाचल सरकार भी देने जा रही है, परंतु हमें अभी तक पिछले महंगाई भत्ते का एरर तक नहीं मिला है, तो वेतन पे स्केल की तो क्या बात कह सकते हैं। ये सरकार कब हमें देगी और कैसे देगी, हमें सरकारों से जो है विश्वास उठ चुका है। अगर सरकार समय रहते हमारा 20 सितंबर से पहले पहले अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो हमने कल्याण मंच ने जो है कांगड़ा से 5 तारीख को निर्णय ले लिया है कि 20 सितंबर के बाद कोई भी धरना प्रदर्शन या सचिवालय का घेराव हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सारी हिमाचल सरकार और निगम प्रबंधन की होगी। पेंशन के स्थायी समाधान के बारे में मुद्दा उठा, जो कि ना पिछली सरकार इसका स्थायी समाधान ढूंढ सकी है, ना ही वर्तमान सरकार जो है इसका कोई हल कर रही है। अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमारी नेता बगुना में हुई थी, उसमें एक मांग पत्र जो हमने माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को भेजा था, उसका उत्तर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया कि आप जो है धरना प्रदर्शन ना करें और इस वक्त जो है धरना प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, विधानसभा लगी हुई है, तो मैं आपको जल्दी ही वार्ता के लिए बुलाऊंगा। मगर आज तक ना वार्ता के लिए बुलाया, ना ही हमारी पेंशन का कोई हल निकला है। उसके उपरांत बीते पिछले महीने कांगड़ा प्रवास पर माननीय मुख्यमंत्री भी आए हुए थे, वहाँ पर हमारे प्रदेश कार्य समिति के जो कार्यकर्ता हैं कांगड़ा के, वो श्री रामपुरी जी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो एक प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिला और माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आपने पत्र द्वारा हमें वार्ता के लिए बुलाने के लिए कहा था, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि मैं जल्दी ही आपको वार्ता के लिए बुलाऊँगा और आपकी समस्या जो गंभीर है इसके बारे में विचार चल रहा है, विचार किया जाएगा इसके ऊपर और आपसे वार्ता की जाएगी।